वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमने ल्यूसेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से ऐसे हैं जो कि हमारी इंडिया के बारे में बताते हैं, जिसमें हमने इंडिया के ही लिटरेरी सोर्सेज को कवर किया था। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे कौन से फॉरेन सोर्सेज हैं जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। गाइस, लिटरेरी सोर्सेज वो सारे सोर्सेज होते हैं जिनको कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, हिस्ट्री जिसमें बताई गई है इंडिया के बारे में, इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, या फिर उसकी सोशल उस टाइम सोशल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इसके बारे में कुछ भी कहीं पर भी अगर लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं, जिसका इंडियन पार्ट हमने कल देखा था। और आज हम फॉरेन सोर्सेज को देखेंगे। फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो लोग इंडिया के तो नहीं थे लेकिन उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने इंडिया को विजिट किया, इंडिया को देखा, फिर उसके बारे में लिखा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में सिर्फ सुना है, कभी वो इंडिया आए नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने सुना उसके वो सुनकर ही उन्होंने इंडिया के बारे में लिख दिया है। तो ये दोनों ही सोर्सेस हमारे लिए यूज़फुल रहे हैं और हम इनको ही पढ़ने वाले हैं। इंडिया में कौन कौन फॉरेनर्स आए थे? सबसे पहले ग्रीक आए थे, चाइनीज़ आए थे, तिब्बतन आए थे और अरेबियन लोग आए थे, जिसमें कि विजिटर्स थे, मर्चेंट्स थे, एम्बेसडर्स थे, हिस्टोरियंस थे, पिलग्रिम्स थे, ट्रेवलर्स थे, जो कि इंडिया में आए, इंडिया को देखा और उसके बाद में उसके बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा भी। अब जो ये अकाउंट्स हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्प ये करते हैं कि हमें इससे ये पता चल सकता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ। जो डेटिंग सिस्टम है वो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए रहते हैं। तो ये हमारे लिए क्रोनोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। फॉरेन सोर्सेज को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें ग्रीक रोमन है, चाइनीज़ हैं, तिब्बतन हैं एंड अरेबियन हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ग्रीक राइटर्स को। गाइस, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, हम सब ने सुना है कि कितना ग्रेट इन्वेजन वो इंडिया पर हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि उसका कोई भी सोर्स इंडियन सोर्सेज में नहीं है, उसके बारे में इंडियन सोर्सेज में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमें जो भी अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में पता चलता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक सोर्सेज से ही पता चलता है। अगर ये ग्रीक सोर्सेज ना होते तो हमें अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। इसीलिए हमें फॉरेन सोर्सेज काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। जो ग्रीक राइटर्स अलेक्जेंडर के टाइम से पहले इंडिया के बारे में जानते थे या फिर इंडिया में आए थे, इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ भी लिखा था, वो थे स्काइलेक्स, हीकेटियस, मिलिटियस, हीरोडेटस एंड टीशियस। स्काइलेक्स कौन थे गाइस? स्काइलेक्स फर्स्ट ग्रीक राइटर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। अब वो कौन थे? क्या वो राजा थे? नहीं, वो राजा नहीं थे। वो किंग डेरियस फर्स्ट, जो कि पर्शिया या फिर कह सकते हैं ईरान, वहाँ के किंग जो थे उनके कोर्ट में वो एक सोल्जर थे, उनकी आर्मी के एक सोल्जर थे। ठीक है, कौन थे? स्काइलेक्स थे। और उन्हें किंग ने क्यों भेजा था इंडिया में? उन्हें किंग डेरियस फर्स्ट ने इंडिया में इसलिए भेजा था ताकि वो ये पता लगा सकें कि जो इंदस रिवर है वो किस तरीके से बह रही है, कौन कौन से एरिया को कवर कर रही है। इंदस रिवर के कोर्स को देखने के लिए उनको भेजा गया था। इसीलिए उन्होंने जो भी लिखा है इंडिया के बारे में वो सिर्फ़ और सिर्फ इंदस वैली तक ही सीमित है। इंदस वैली तक ही वो लिख पाए हैं, क्योंकि उसके आगे वो कभी आए नहीं, इसलिए उन्हें पता नहीं इंडिया कि आगे और क्या है। ये सब सिर्फ इंदस वैली तक वो आए थे, इसलिए उन्होंने इंदस वैली के बारे में ही लिखा है। सेकंड जो राइटर हैं वो हैं हीकेटियस मिलिटियस। वो कौन थे? वो भी एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और ज्योग्राफर थे, और उन्होंने भी जो कुछ लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ इंदस वैली तक ही लिखा है। नेक्स्ट है हीरोडोटस, जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। उन्होंने अपनी एक फेमस बुक जो लिखी है वो है हिस्टोरिक्स, जिसमें उन्होंने इंडिया, पर्शिया, ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में बताया है, और जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कभी भी इंडिया को विज़िट नहीं किया था, लेकिन उन्हें इंडिया के बारे में बस पता था, और जो पता था वही उन्होंने लिख दिया है। नेक्स्ट राइटर हैं टीशियंस, जो कि ग्रीक फिजियन थे, जो कि हमारे मेहमान
जो किंग थे उनके यहाँ पर वो थे फिजियन, ठीक है। उन्होंने उनके उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो इंडिया के स्टोरीज़ को जान सकें, लेकिन उन्होंने जो अकाउंट लिखा है पर्सी का वो फुल ऑफ लाइज, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ लिखा है और बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट जो किंग्स हैं जो अलेक्जेंडर के, जो राइटर्स हैं जो कि अलेक्जेंडर की बात वाले हैं ग्रीक राइटर्स, वो है नियर्चस, वंसिक्रीटस एंड अरिस्टोबुलस। नियर्चस कौन थे? नियर्चस जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के क्लासमेट थे और एडमिरल थे उनकी नेवल फ्लीट के। उनको अलेक्जेंडर ने क्यों भेजा था? उनको भेजा था कि जो पर्शियन गल्फ है और इंदस है उसके बीच में जितना भी कोस्टल एरिया है उसके बारे में पता लगाना है, उसके बारे में जितनी भी डिस्कवरी हो सकती है जो भी उनको रिसर्च करनी वो सारी करके लेकर आएंगे। उनकी जो ओरिजिनल बुक है वो तो खो गई है, लेकिन दूसरे जो राइटर्स हैं उन्होंने उनकी ओरिजिनल बुक के पैसेज को अपनी बुक में लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल बुक में क्या क्या लिखा होगा। सिर्फ हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लिखा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सच में उन्होंने लिखा था वो या नहीं लिखा था, क्योंकि ओरिजिनल बुक उनकी लॉस्ट हो चुकी है। फिर आते हैं वंसिक्रीटस। वंसिक्रीटस कौन थे? वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के पायलट थे, जो नेवल फ्लीट थी उनकी उसके पायलट थे। उन्होंने नियरकस के साथ में ही इंडिया की एक्सपीडिशन ली थी और उन्होंने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी लिखी है और उसके साथ साथ इंडिया के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। फिर आते हैं एरिस्टोबुलस। एरिस्टोबुलस कौन थे? वो जोग्राफर थे। अलेक्जेंडर ने उनको कुछ जिम्मेदारियां दी थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी और उन्होंने अपनी उनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ वॉर उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा है। गाइस जब हम ग्रीक राइटर्स की बात करते हैं तो एक बहुत फेमस नाम है जो हम सबके सामने आता है, और वो नाम क्या है? वो नाम है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कौन थे? वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको किसने भेजा था? उनको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। किसके कोर्ट में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, जहाँ पर वो 6 साल तक रहे थे। उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिस बुक का नाम है इंडिका। उनकी ओरिजिनल बुक तो खो गई है, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी देखा था इसमें भी यही बात हुई है कि उनकी ओरिजिनल बुक खो गई है, लेकिन उनके जो पैसेज हैं वो दूसरे राइटर्स ने अपनी बुक में कोट किए हैं। अब इस बुक में उन्होंने ऐसा क्या लिखा था कि ये इतनी फेमस बुक हो गई और उनका नाम भी इतना फेमस हो गया? इसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, इंडिया कितनी फर्टाइल है, उसने पाटलिपुत्र के बारे में बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल थी। इंडिया में स्लेवरी नहीं है, 7 कास्ट जो इंडिया की थी वो बताई थी। इंडिया में चोरी नहीं होती ये बताया था। इंडियन फिलोसफर्स के बारे में बताया था। ये सब उस टाइम की बातें हैं, अब तो सीन चेंज हो चुका है ये हमें पता है, राइट। तो उस टाइम पर इंडिया में चोरी नहीं होती थी, स्लेवरी नहीं थी, फर्टिलिटी, ये सब कुछ उन्होंने अपनी बुक में बताया था। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो हैं डिमाकस। नेक्स्ट ग्रीक राइटर हैं डिमेकस। डिमेकस कौन थे? डिमेकस ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको एंटियोकस ने भेजा था। एंटियोकस जो थे सीरिया के रूलर थे, जिन्होंने डिमेकस को भेजा था किसके कोर्ट में? बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। जिसका उनका भी ओरिजिनल जो काम उन्होंने लिखी थी, ओरिजिनल बुक लिखी थी, वो तो अब खो चुकी है। अब क्या है, उनके जो पैसेज हैं वो दूसरे राइटर्स ने लिख लिए हैं। फिर आते हैं डियोनीसियस। डियोनीसियस कौन है? वो भी ग्रीक एम्बेसडर हैं जिनको फिलाडेल्फस ने भेजा था, जो कि इजिप्ट के रूलर थे। वो भी बिंदुसार के ही कोर्ट में आए थे। उनकी भी ओरिजिनल बुक खो गई। फिर है पेट्राकल्स। पेट्राकल्स एक ग्रीक गवर्नर थे जो कि कहाँ के थे? कैस्पियन सी और इंडस रिवर के बीच में जो प्रोविंस था वहाँ के ग्रीक गवर्नर थे पेट्राकल्स, जिनका जो थे रूलरशिप के किसके अंडर थे? सिलेकस एंड एंटियोकस के अंडर वो काम करते थे। फिर हैं टीमोस्थीन। टीमोस्थीन एक नेवल एडमिरल थे फिलाडेल्फस के। एलियन वो ग्रीक हिस्टोरियन हैं जिनकी बुक है कलेक्शन ऑफ मिसलिनियस हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। फिर है डियोडोरस। डियोडोरस भी एक ग्रीक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने बुक लिखी है बिब्लियोथीका हिस्टोरिका। उन्होंने इंडिया के बारे में बताया है, जो कि मेगास्थनीज ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था उसको ही इन्होंने इंडिया का वही डिस्क्रिप्शन इन्होंने भी दिया है। फिर आते हैं स्ट्रैबो। काफ़ी फेमस नाम हम सब ने सुना है। ये ग्रीक हिस्टोरियन हैं और ज्योग्राफर भी हैं। इनकी जो टेक्स्ट है, इन्होंने जो लिखा है उसको कहते हैं जियोग्राफिया।
ठीक है। इसमें उन्होंने हिस्ट्री के साथ साथ में इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है, उस टाइम पे क्या सोशल कंडीशन थी, रिलीजियस कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो सारी भी इन्होंने हाईलाइट की गई हैं। फिर आते हैं प्लूटार्क। प्लूटार्क कौन है? प्लूटार्क जो है उनकी बुक में अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनके जो इंडिया है, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट और इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है। फिर आते हैं एरन, एक ग्रीक हिस्टोरियन है, उन्होंने दो बुक लिखी हैं। दो बुक कौन सी हैं? इंडिका एंड एनावेसिस, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। और जो अकाउंट है इनके, इन्होंने जो भी लिखा है उसको इन सब में, जिस जो इन सब ने लिखा है, ग्रीक राइटर्स ने लिखा है, उन सब में सबसे ज़्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक माना गया है। किसके अकाउंट्स को? एरियन के अकाउंट्स को, ठीक है। अब गाइस हमने देख लिए कि ग्रीक राइटर कौन कौन से थे, उनमें फेमस राइटर्स देख लिए हैं। ये जो ग्रीक राइटर्स है इसमें बस कुछ एक दो नाम हैं जो हमें काफ़ी याद रखने हैं, बाकी सबको इतना ध्यान से नहीं पढ़ना क्योंकि उन सब में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, राइट। अब हम देखते हैं चाइनीज़ राइटर के बारे में, जो चाइनीज़ लोग थे जो हमारे इंडिया में आए या फिर उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ भी सुना और लिख दिया, वो सारे उन्होंने जिसने उन्होंने भी लिखा है वो सब देखेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट चाइनीज़ राइटर जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ भी लिखा वो हैं सुमा चेन, ठीक है। फिर आते हैं पेन क्यू एंड हैंगवे। इनकी जो राइटिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कुशान रूलर्स के बारे में, जो कुशान रूलर्स हैं उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। फिर आते हैं फाहिन। फाहिन के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबको इनके बारे में पता है, काफ़ी ये फेमस हैं। ये इंडिया में कब आए थे? 399 AD में आए थे, जब कौन रूलर थे इंडिया में? रूलर, गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उनके ही टाइम पर ये आए थे फाहिन। इंडिया में ये 15 से 16 साल तक रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये इंडिया में रहे हैं। और ये क्यों आए थे इंडिया में? ये इंडिया में आए थे जो विनय पिता का है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसको कवर करने आए थे, वो उसको देखने आए थे कैसी क्या है, मतलब इसका ओरिजिन वगैरह ये सब देखने आए थे, ठीक है। लेकिन जब वो चाइना वापस गए तो अपने साथ ये इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लेकर गए, मतलब इंडिया की काफ़ी यादें लेके गए और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा भी, ठीक है। और ये उनकी बुक जो है अभी भी अवेलेबल है। अभी तक हमने देखा था ग्रीक जो रूलर्स थे, ग्रीक राइटर्स थे, उनकी जो टेक्स्ट है वो खो गए हैं, ओरिजिनल बुक खो गई है, सिर्फ दूसरे लोगों ने उनके बारे में लिख दिया है। लेकिन इनकी बुक जो है वो फाइन है कि ओरिजिनल बुक भी अभी तक अवेलेबल है। अब देखते हैं सुंग युन के बारे में, जो कि इंडिया में आए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में और इंडिया के 170 महायान के साथ वापस गए हैं, ठीक। फिर है ह्यून सेंग, इनके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ पता है, ये इंडिया में आए थे 629 AD में, जब कौन रूलर थे इंडिया में, कौन राजा थे? हर्षवर्धन, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे, तब ये इंडिया में आए थे। और ये भी इंडिया में काफ़ी सालों तक रुके हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं 13 से 14 साल इंडिया में ही इन्होंने बिताए हैं। नालंदा महाविहार में 2 साल तक इन्होंने पढ़ाई की है, और जब कांची के रीजन में जब ये गए थे नरसिंह बर्मन के यहाँ पर, तब वहाँ पर भी ये काफ़ी लंबे समय तक रुके हैं। इनकी जो ट्रेवल अकाउंट है उसको कहते हैं CUK, ठीक है। इसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि इंडिया की हिस्ट्री कैसी है, पॉलिटी, सोशल लाइफ, ये सब कुछ इन्होंने बताया, हर्षवर्धन से लेकर जो ये हैं नरसिंह वर्मन, इन सब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। फिर है ह्यूल। ह्यूल की बायोग्राफी है, इन्होंने लिखी है ह्यून सेंग की बायोग्राफी। किसने लिखी है? ह्यूल ने लिखी है, बस इतना ही पता है। जब उन्होंने ह्यून सेंग के बारे में लिखा है तो जब वो इंडिया आए थे तो उस बारे में भी लिखा होगा, तो इसीलिए इंडिया के बारे में भी इन्होंने लिखा है। फिर है इटसिंग। इटसिंग सी रूट से आए थे सुमात्रा के जरिए इंडिया में, नालंदा महाविहार में 10 साल तक ये रुके हैं, और संस्कृत को इन्होंने पढ़ा है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने पढ़ा है, इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा है। उसका नाम क्या है? अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाय आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जब बहुत सारे आइलैंड्स एक जगह पर होते हैं तो उस ग्रुप को हम कह देते हैं आर्किपेलेगो कह देते हैं। इसमें इंडिया के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी कम लिखी है, ठीक है।
बस संस्कृत संस्कृत में लिखा है इतना देख लिया ना, ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं है। फिर हुई छो, इन्होंने जो है जो कश्मीर के राजा थे और यशोवर्मन कन्नौज के राजा थे, उन्होंने क्या क्या काम किए वो सारे इन्होंने लिख दिए हैं इसमें। ठीक, मातवाल उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ईस्टर्न कैंपिंग जो हर्षवर्धन का था उसके बारे में इन्होंने बताया है। मोहन इंडिया में आए थे 1406 AD में, ठीक है, जिसमें उन्होंने बंगाल को विज़िट किया। ये पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने बंगाल को विज़िट किया है। और इन्होंने ये एकदम से चकित रह गए थे जब इन्होंने देखा कि कितना रिच रीजन है, तो वहाँ की जो इनरिच रीजन था उसको देखकर ये बहुत सरप्राइज हुए थे, इम्प्रेस हुए थे। तो गाइस हमने यहाँ पर चाइनीज़ राइटर्स के बारे में भी देख लिया है, ग्रीक राइटर्स देख चुके हैं, अब बात आती है तिब्बतन राइटर्स की। गाइस तिब्बतन राइटर में बस एक दो नाम है जो हमें देखने हैं, बाकी ज़्यादा लोगों को हमें नहीं देखना है, ठीक है। जो बुक में दे रखे हैं दो ही नाम दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं। पहला नाम हमारा तिब्बतन राइटर में आता है तारानाथ का, जो कि बहुत पॉपुलर तिब्बतन हिस्टोरियन हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है, कांग्यूर एंड टांग्यूर, दो बुक्स उन्होंने लिखी हैं जो कि एंशियंट इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। सेकंड राइटर हैं धर्मस्वामी, जो कि इंडिया में आए और ये भी नालंदा महाविहार में रुके हैं 3 सालों तक, बस इतना ही इसमें हमें देखना है। अब जो बात आती है लास्ट हमारे राइटर्स की, वो हैं अरेबियन राइटर्स, ठीक है। इनके बारे में हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले जो राइटर हैं वो हैं सुलेमान, ठीक है, अरब मर्चेंट थे, पहले अरब ट्रेवलर हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ भी लिखा और जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। उन्होंने इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज थे इंडिया के, उसको सेल किया था। और उसके बाद वो इंडिया में कब आए, 851 AD में, जब वहाँ पर मतलब इंडिया में कौन राजा थे, प्रतिहार किंग मेहर भोज फर्स्ट, वो अमोघ वर्ष के कोर्ट में रुके थे। राष्ट्रकूट रूलर जो थे अमोघ वर्ष, उनके कोर्ट में रुके थे और बहुत इम्प्रेस हुए थे यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को देखकर, यहाँ की संपन्नता को देखकर, बहुत इनको अच्छा लगा था, इसीलिए उन्होंने एक बुक लिख दी और उस बुक का नाम है सिलसिला उत तवारिक। बस इतना ही पढ़ना है इसमें और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट देख लो, इब्न खुर्दा दिबी, ये कौन है, ये अरब ज्योग्राफर हैं और इन्होंने बुक लिखी है किताब अल मसालिक व ममालिक। बस हमें देखो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, बस इतना पढ़ना होता है कि कौन आया था, किसके कोर्ट में आया था, कौन से टाइम पर आया था और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक, इसलिए हम ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल बिलादुरी उनकी बुक का नाम क्या है, फुतुह अल उल बुल्दान, जिसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, सिंध कन्क्वेस्ट को, बस इतना देख लो। फिर अल मसूदी कौन थे, अरब ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में आए कब, 915 AD में आए हैं। उस टाइम पे कौन रूलर था, मलिपाल फर्स्ट, ठीक है, गुर्जर डायनेस्टी को उन्होंने अल गुर्जर बोला है और उनके रूलर्स को बरुआ बोला है, ठीक है। इनने जो बुक लिखी है उसका नाम है मुरुज उल जहाब, ठीक है, और जिसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, हॉर्सेस को और कैमल्स को, बस इतना ही इसमें बताना है। फिर नेक्स्ट है इब्न हॉकल क्या है, वो एक मर्चेंट थे बगदाद के जो कि इंडिया में आए थे, डिफरेंट घूमते घामते बहुत सारे रीजन्स को घूमते घामते आए थे, यूरोप को घूमा उन्होंने, अफ्रीका को घूमा, फिर वो इंडिया में आए, जिसमें उन्होंने राष्ट्रकूट जो थे उनकी स्टेट को विज़िट किया था। और उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है असकल अल बिलाद, उन्होंने सिंध का एक मैप भी बनाया है अपनी इस बुक में। ऐसे वो एक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडिया की लेंथ और ब्रेथ को डिफाइन करने की कोशिश की थी। फिर आते हैं अलबरूनी, इनका नाम हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, ये फेमस है, इसलिए हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इनका फुल नेम क्या है, इनका फुल नेम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी, लेकिन हम प्यार से इनको पॉपुलरली क्या बोलते हैं, अलबरूनी, जिसका मतलब होता है उस्ताद। वो कहाँ उनका जन्म हुआ था, ख्वाजिरम, कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में है। ये पहले तो मोहम्मद गजनवी ने इनको कैद कर लिया था, कैप्टिवेट कर लिया था, लेकिन जब इनका मल्टी टैलेंट उन्होंने देखा तब उन्होंने क्या करा, इनको नाज़मी के तौर पर अपॉइंट कर लिया था। अलबरूनी इंडिया में आए, पंजाब में रुके, संस्कृत को इन्होंने सीखा और इन्होंने काफ़ी बुक्स को भी पढ़ा था, जैसे कि फ़िलासफ़ी को लेकर उन्होंने पढ़ा था और काफ़ी सब्जेक्ट को पढ़ा था, जिसकी वजह से हिंदूज़ ने इनको एक टाइटल दिया और वो टाइटल क्या था, विद्यासागर। जब गजनी वापस चले गए
तब इन्होंने एक बुक लिखी अरेबिक लैंग्वेज में, उसका नाम है तहकीक हिंद। इस बुक को हम कई क्वेश्चंस में देखते हैं, कई एग्ज़ाम्स में ये बुक आती है, जिसको अलग अलग नाम से ही आती है, जैसे कि तारीख हिंद किसने लिखी है, किताबुल हिंद किसने लिखी है, तहकीक हिंद किसने लिखी है। तो हमारा आंसर बस एक ही है, अल बरूनी। ठीक है, तो बस इसमें हमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये बुक किसने लिखी है, तो अल बरूनी ने लिखी है। और कौन सी बुक है? तहकीक हिंद लिखी है। अल बरूनी को हम फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। सो गाइस, हमारे अब नेक्स्ट राइटर हैं इब्न बतूता। लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग है जिसमें इनका नाम आता है। तो आपको अब क्या करना है, खटखट खटखट जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा वो बॉलीवुड सॉन्ग है। चलिए, अब वो आप काम करते रहिए, अब हम शुरू करते हैं इब्न बतूता के बारे में। गाइस, इब्न बतूता का फुल नेम क्या था? इनका फुल नेम है इब्न बतूता का अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लवाल उत्तंगी इब्न बतूता। इतना लंबा इनका नाम है, लेकिन हम शॉर्ट में इसलिए इनको इब्न बतूता कह देते हैं। अब सोचो, कोई काम इनसे कहना होता तो इतना लंबा नाम कौन लेता, इसे शॉर्ट नेम दे दिया इनको इब्न बतूता। जैसे हम लोग दे देते हैं ना शॉर्ट नेम्स आजकल, वैसे ही इनको भी दे दिया। इनका जो जन्म हुआ है वो 1304 AD में हुआ है, मोरक्को में। अब वो इंडिया में कब आए हैं? इंडिया में आए हैं जब हमारे यहाँ पर कौन किंग था? मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उस टाइम पर ही आए थे, उनके कोर्ट में ही आए थे, जिसमें उन्होंने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका काफ़ी वेलकम किया था और इनको अपॉइंट भी कर दिया था काजी, यानी कि दिल्ली का जज बना दिया था इनको। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बना दिया था। उसके बाद में ये चाइना गए, लेकिन चाइना जा नहीं पाए, रास्ते में ही इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इनकी जो शिप थी वो उलट गई थी। इतना इसमें देखना है। फिर है सिहाब अल दिनू मारी। वो कौन थे? वो डिमस्कस के रेजिडेंट थे। डिमस्कस कहाँ है? सीरिया। ठीक है, वो इंडिया में कभी नहीं आए, लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने जो इंडिया में लोग आए थे वो वापस जाते थे, वो जो कहानियाँ बताते थे इंडिया के बारे में, वो सब सुन सुनकर ही उन्होंने एक बुक लिख डाली, और उस बुक का नाम था मसालिका अफसारी ममालिका असर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बस एक बार पढ़ लो, बस याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं अब्दुल रजाक। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। काजी थे किसके कोर्ट में? शाहरुख के कोर्ट में। शाहरुख ने क्या करा था? इनको भेजा था जमोरिन के कोर्ट में, जो कैलिकट में जमोरिन है ना, काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। हिस्ट्री जब आगे पढ़ेंगे तब इनका नाम फिर से आएगा, फिर मैं बताऊंगी ये कहाँ आया था। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना देखना है कि अब्दुल रजाक को जमोरिन के कोर्ट में भेजा था, शाहरुख ने भेजा था। इन्होंने विजयनगर को भी अपनी, जब इनकी इंडिया में स्टे हुई थी तब इन्होंने क्या करा था, विजयनगर को भी इन्होंने विजिट किया था। उस टाइम पर किंग कौन थे? देवराय सेकंड थे। ये विजयनगर की कैपिटल में 6 मंथ तक रुके थे। कितने मंथ तक रुके थे, कोई भी क्वेश्चन आने वाला तो है नहीं, इसलिए बस एक बार पढ़ लो, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्होंने विजयनगर की, जब इन्होंने देखा कितना फेमस है, कितनी रिच है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, और इन्होंने भी उस जो विजयनगर है उसके बारे में एक बुक लिख डाली। इंडिया के बारे में एक बुक लिख दी है, मतलब विजयनगर को ज़्यादा फोकस करके इंडिया के बारे में एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम इन्होंने लिखा है माल्टा उस सदन व मजामा उल बहारिन, जिसका मतलब क्या है? द राइजिंग ऑफ टू पाइस स्टार्स एंड कंजक्चर ऑफ टू सीज। ठीक है, तो सो गाइस, यहाँ पर हमारा ये जो फॉरेन सोर्सेज है, यहाँ पर ये ख़त्म होता है, और फॉरेन सोर्सेज के साथ साथ लिटरेरी सोर्सेज भी यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखेंगे। टिल देन, कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।